मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ कीमा आलू की सिंपल और इजी रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए हमें कीमा आलू बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देखते हैं। कीमा आलू बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये है। दो प्याज है, एक मीडियम साइज़ बटाटा मैंने छोटे छोटे काट लिए, और ये कुछ गरम मसाले हैं। इसमें एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी, दो तीन टुकड़ा दालचीनी, दो तीन लौंग और दो छोटी इलायची। और मसालों में एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक टीस्पून मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून एक टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और नमक हसबे ज़रूरत। कोतमीर 2 टीस्पून है। और एक कुकर में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसे गरम कर लिया है। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। अब मैं इसमें अपनी प्याज ऐड कर दूंगी। ये देखिए कीमा थोड़ा, ये प्याज थोड़ी नरम हो चुकी है। अब थोड़ी और नरम हो जाए फिर हम इसमें अपना कीमा ऐड करेंगे। सॉरी, मैं आपको अपना कीमा बताना भूल गई थी। कीमा मैंने धो करके एक छन्नी में रख दिया। ये देखिए प्याज अब थोड़ी नरम हो गई है। अब मैं इसमें अपना कीमा ऐड करूँगी। कीमे में मैंने कुछ हड्डी भी ली हूँ, उसका फ्लेवर अच्छा आता है कीमे में थोड़ा। ये देखिए अब हम प्याज में कीमे को भून लेंगे अच्छी तरह से, फिर इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा कीमा भुने गया है प्याज में अच्छे से। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे जो हमने प्लेट में निकाल के रखे थे। कोथमीर छोड़ के हमें सारे मसाले इसमें ऐड कर देना है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए अब हमने इसे मिक्स कर दिया है। अगर आप थोड़ा तेज़ खाते हो तो इसी स्टेज पे आप इसमें थोड़ा सा हरी मिर्ची का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर लीजिए। ये देखिए मसाला थोड़ा भुन जाए फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आपको ज़रूरत लगे तो इसमें थोड़ा पानी ऐड करके मसाले को भूने। ये देखिए कीमा अब अच्छे से भून गया है, इसमें ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए 2 मिनट आलू को इसमें भून लेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका ढक्कन लगा करके इसमें 1-2-3 सीटी आने देंगे ताकि कीमा और आलू अच्छे से गल जाए। मैंने इसे भूनने के टाइम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करी हूँ। आपको जितनी ज़रूरत हो उतना पानी थोड़ा ऐड करके इसे भूने।
ये देखिए आलू भी भुन गया इसमें। अब मैं इसमें एक कप पानी ऐड करके इसे मिक्स करके ढक्कन लगा दूंगी। ढक्कन लगा के अब दो सीटी आने तक इसे पकाएंगे, उसके बाद इसका प्रेशर अपने से रिलीज़ होने देंगे और फिर हम ढक्कन खोल के चेक करेंगे। ये देखिए कुकर की गैस ख़त्म हो गई, अब हम इसे ढक्कन खोल के एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा खीमा अच्छे से हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा कोथमीर ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा खीमा आलू बनके अब तैयार है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसमें हल्का सा कोथमीर और नींबू से थोड़ा सा गार्निशिंग कर देंगे। अगर आपको मेरी खीमा आलू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।